तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 5 जुलाई 2020 को भारत का पहला सोशल मीडिया एलिमेंट्स लॉन्च किया था। एलिमेंट्स उस ऐप का नाम है। यूजर्स ऐप को आसानी से गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस ऐप के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, उसको यूज़ करके भी दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। और इसके बाद बात करूं तो ये ऐप काफ़ी पहले से ही गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल था, लेकिन अब उसे प्रोफेशनली लॉन्च किया गया है। आत्मनिर्भरता की दिशा में ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे देश के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये ऐप जैसे ही लॉन्च हुआ था कि कुछ ही घंटों के अंदर लाखों लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर दिया था। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो अवेलेबल है उन सभी के फीचर्स इस एक ऐप में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह आप इसे एक सुपर सोशल मीडिया ऐप भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सब लोग जानते ही होंगे कि सोशल मीडिया पर यूजर्स की डेटा प्राइवेसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हैं, इसीलिए इस ऐप में खास तौर पर डेटा प्राइवेसी को आगे रखा गया है। इसमें से एक बात तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी लगती है, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। और इसके अलावा बात करूँ तो एलिमेंट्स ऐप को 1000 से अधिक IT प्रोफेशनल्स ने तैयार किया है और ये भारत में बनी पहली सुपर सोशल मीडिया ऐप है। इस ऐप की खास बात यह है कि यूजर की परमिशन के बिना ये ऐप उनका डेटा किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं देगी। तो चलिए अब इस ऐप के बारे में कुछ और जानते हैं, इसकी टेस्टिंग भी करके देखते हैं, इसको इस्तेमाल करके देखते हैं और इनके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हमें गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और इस ऐप का नाम सर्च करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आप सबसे पहला देख रहे हो एलिमेंट्स सोशल मीडिया सिंप्लीफाई, तो उसको टैप करना है और वहाँ पर इस ऐप को इंस्टॉल कर देना है। तो मैंने इसे इंस्टॉल करके रखी है, तो अब मैं इसको यहीं से ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड में जाना है। उसके बाद आपको जो भी यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है वो कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है और उसके बाद जो आपको OTP मिलता है आपके मोबाइल नंबर पर उसको यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम, अपनी सरनेम और आपको पासवर्ड जनरेट करना है यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ पर जनरेट करके डिटेल डाल के बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अपना नाम और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने फ़ोन बुक को सिंक कर देना है, जिससे आपके सारे जो आपने नंबर सेव किए हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये परमिशन इसको अलाउ कर देना है। तो दोस्तों सारे नंबर सिंक हो गए और सारे के सारे नंबर यहाँ पर हमें मिल गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपको सारी की सारे इसके फीचर्स वगैरह ये किस तरह से काम करता है ये आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर पोस्ट नहीं बना सकते, स्टोरी डाल सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं। हालांकि ये बिल पेमेंट का और अभी मैंने यहाँ पर देखा नहीं है इसमें अभी कुछ नया आया हो, शायद फ्यूचर में इसमें ये सारे फीचर्स ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू कर देते और ये इस तरह का आपको पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए यहाँ से आप चैट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये चैट का पेज है और ये सोशल है। तो जिस तरह से हम फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं वो सारा हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो भी आपके सारे फ्रेंड्स होंगे उसकी सारी फीड आपको यहाँ दिखाई देगी और आप कोई भी पोस्ट डालना चाहते हो तो आप यहाँ से इसे डाल सकते हो। कोई भी लिख कर यहाँ पर डालना हो, अपने कलर पसंद यहाँ पर कर सकते हो और किसको किसको आपको आपकी पोस्ट मिलेगी वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और आप अपनी पोस्ट में फ़ोटो और वीडियोस भी डाल सकते हो और किसी को आपके साथ बताना है कि कौन आपके साथ था तो उसे भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पर डिस्कवर में जाओगे तो आपको यहाँ पर कुछ पॉपुलर पोस्ट दिखाई देगी, कुछ जो पॉपुलर लोग होंगे उनकी यहाँ पर आपको पोस्ट दिखाई देगी। तो अगर आप अगर किसी को ऐसा सब्सक्राइब करना चाहो तो आप उसकी प्रोफाइल में जाकर यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आपको किसी को फॉलो लाइक वगैरह नहीं करना, आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद इसकी सारी पोस्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर नीचे हब देख रहे होगे ऑप्शन, तो वहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको कुछ वेबसाइट्स मिल जाएगी जिसमें आर्टिकल्स वगैरह कुछ होंगे, तो आप इसमें यहाँ से पढ़ सकते हो कुछ भी।
अगर यहाँ पर ब्राउज में जाओगे तो उसके सारे आर्टिकल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद हम एक बार सेटिंग में चलकर देखते हैं कि इसमें क्या नया है। तो देखिए, आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को देख सकते हो और यहाँ एडिट प्रोफाइल में जाकर आप जो भी अपने बारे में इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो तो आप यहाँ से डाल सकते हो। और यहाँ पर आप अपना हैंडल भी बना सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम में आप बनाते हैं इसी तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करनी हो वो कर सकते हो, और जो भी छोड़ना है तो आप उसे छोड़ भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सेव कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम की तरह आप यहाँ पर अपनी पोस्ट देख पाएंगे, अपनी मीडिया फाइल्स देख पाएंगे, अपने फ्रेंड लिस्ट देख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद सेटिंग में और नज़र करें तो आप यहाँ पर अकाउंट सेटिंग में आप अपनी सेटिंग सारी चेंज कर सकते हो। कुछ भी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी आपको चेंज करना हो, पासवर्ड वगैरह, वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिलीट माय एलिमेंट्स अकाउंट में जाकर आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हो, और एलिमेंट्स का जो सर्वर होता है वो आपका सारा डेटा वहीं से डिलीट भी कर देता है। ऐसा नहीं है कि डिलीट करने के बाद भी डाटा वहाँ पर आपका सर्वर में रहेगा, ऐसा नहीं है। आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है कि अगर आप यहाँ पर अकाउंट डिलीट करते हो और फिर से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमें, तो आपको एक न्यू यूज़र की तरह ही हमें ज्वाइन करना होगा। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद अगर और भी सेटिंग देखें तो यहाँ पर, और आपने एक बात नोटिस की होगी, इसकी जो सारी सेटिंग्स है वो काफ़ी ईजी है। आप तुरंत इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हो, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। फेसबुक की तरह आसानी से आप अपनी सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखिए, कोई ज़्यादा ऑप्शंस भी हमें नहीं मिलते, आसानी से आप सब कुछ भी यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो इसके बाद हम एक बार चैट में जाकर भी देख लेते हैं कि क्या ये व्हाट्सएप की तरह ही है या कुछ इसमें और भी है। तो चलिए एक मैसेज हम करते हैं यहीं से। तो देखिए, यहाँ पर भी आपको WhatsApp की तरह छोटा सा साइन दिखाई देगा। अगर मैसेज आपका गया है तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और अगर देखिए मैसेज में दूसरे फ़ोन में पढ़ लेता हूँ तो क्या चेंजेस होता है। देखिए, अभी मैसेज डिलीवर्ड हो गया और पढ़ने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसके बाद इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है मैं आपको बताता हूँ, जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो देखिए, आप यहाँ पर आप अगर किसी की प्रोफाइल में ऐसे देखते हो तो आपको उसका मोबाइल नंबर नहीं दिखाई देगा। इसी तरह से अगर किसी का मोबाइल नंबर आपके पास है और आप किसी को यहाँ से मैसेज करते हो तो आपका नंबर किसी को नहीं दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम ही दिखाई देगा, जो कि एक अच्छी बात है। और हाँ, एक बात और, आप यहाँ पर ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो, नया ग्रुप अपना बना सकते हो, और इस ग्रुप में आप 300 लोगों तक ऐड कर सकते हो। किसी को भी अगर आप ऐड करना चाहो तो 300 तक लोग यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, आप जिसे भी ग्रुप में ऐड करना चाहते हो वो आपका फ्रेंड होना ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर कोई भी मेम्बर मुझे नहीं दिखाई दे रहे। तो एक अच्छी बात है कि अगर आपका नंबर किसी को नहीं दिखाई देता तो कोई मिसयूज़ भी नहीं कर सकता आपके मोबाइल नंबर का। उसके अलावा हम देखें तो आप यहाँ से देखिए, अभी तो फ़िलहाल आप फोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स फाइल ही यहाँ से ट्रांसफ़र कर पाएंगे, लेकिन फ्यूचर में इस ऐप ने कहा है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकेंगे, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग की कुछ इसके साथ मर्जिंग होगी और आप इसी के थ्रू पेमेंट भी कर पाएंगे। तो जैसे जैसे ये ऐप डेवलप होगी आपको नए नए इसके सारे फीचर्स मिलते जाएंगे। और इसके बाद मैं इसमें वीडियो कॉल की और वॉइस कॉल की भी टेस्टिंग करके आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस ऐप के सारे फीचर्स तो काफ़ी कमाल के हैं, और इसके अलावा भी मैंने इस ऐप को काफ़ी देर तक इस्तेमाल किया।
मुझे पर्सनली ये ऐप काफी पसंद आई। इसके बाद मैंने इसमें ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल को भी इस्तेमाल करके देखा। उसमें मुझे ऑडियो कॉल की क्वालिटी तो काफी ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन वीडियो कॉल की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। या फिर हमारे इस एरिया में इंटरनेट की स्पीड काफी स्लो आती है, उस वजह से भी मुझे ऐसा लगा होगा। तो अगर आप इस ऐप को इस्तेमाल करते हो तो आप इसमें वीडियो कॉल का ऑप्शन जरूर इस्तेमाल करके देखना और मुझे नीचे कमेंट में बताना कि आपको इसका अनुभव कैसा रहा। तो दोस्तों, ऐसी ही सारी इंडियन ऐप्स जो अभी अभी लॉन्च हो रही है, तो मैं अपना पर्सनल एक ओपिनियन दूँ तो मैं इन सभी इंडियन ऐप्स को काफ़ी अप्रिसिएट करता हूँ और मैंने पर्सनली जो जो इंडियन सोशल ऐप्स लॉन्च हुई है उन सभी का इस्तेमाल किया है। जैसे कि जियो चैट हो गया, हाइक हो गया, काफ़ी सारी ऐसी इंडियन सोशल ऐप्स का इस्तेमाल मैंने किया है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है कि जो हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो सारे लोग होते हैं वो इस ऐप का इस्तेमाल नहीं करते। ज़्यादा सब व्हाट्सअप, फेसबुक, उसमें सब वो बैठ गए हैं एक बार। तो इस तरह से तुरंत ऐसी किसी ऐप में शिफ्ट होना किसी के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मेरी आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ऐसी हमारी इंडियन ऐप्स जो लॉन्च हो रही है अभी काफ़ी अच्छी अच्छी, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दो और धीरे धीरे उसमें ढलने लगो। और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ऐसी ऐप्स का प्रचार करो, इसमें इनवाइट करो और उनसे कहो कि यह ऐप्स इस्तेमाल करना शुरू कर दे। और अगर ऐसा हो गया तो धीरे धीरे करके हम सही मायने में सोशल मीडिया की दुनिया में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ और जिसको भी आप जानते हो उन सभी को इस वीडियो को शेयर कर देना। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हर जो मैं नई वीडियो बनाऊँ वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।